साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज 22 नवंबर है, यानी कि वीरांगना झलकारी बाई की जयंती। इस समय जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं, इसको झलकारी बाई पार्क कहा जाता है। अगर इस पार्क में आपको आना है तो बादशाह नगर सचिवालय कॉलोनी है, उसके अपोजिट में ये पार्क बना हुआ है। सुभाष चंद्र लहरी जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, विचारक है, चिंतक है। इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के सहयोग से ये पार्क बन पाया और जैसे आप देख रहे हैं झलकारी बाई की एक बड़ी स्टेचू भी यहाँ पर लग पाई। हर साल यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता था, लेकिन कोरोना के चक्कर में परमिशन नहीं मिल पाई, इसलिए संक्षिप्त रूप में उसके नियमों का पालन करते हुए कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया। लहरी साहब से हम एक बात समझना चाहते हैं कि वीरांगना झलकारी बाई, जब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी तो उनके बारे में लिखना शुरू हुआ लोगों ने, ऐसा लगता है कि इतिहास में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उनका सम्मान कुछ चंद लोगों के हाथ में कलम होने की वजह से रोक दिया गया, क्या ये ऐसा लगता है आपको? सदियों से जो है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वैसे इस इतिहासकारों ने, क्योंकि ये उनके हाथ में था, 5000 वर्ष पहले से हमारे लोगों की जबान काट दी गई, शिक्षा नहीं दिया गया, तो जब शिक्षा रहा नहीं तो इतिहासकार कैसे होते। इसलिए उनके इतिहासकारों ने, जो गैर बराबरी संस्कृति के पोषक हैं, उन्होंने हमारे जितने भी इतिहास हैं, कोई एक जात की नहीं है, अनुसूचित जात में या पूरे बहुजन समाज में 6743 जो जातियां हैं उसमें भिन्न प्रकार से बांट दिया और उनके इतिहास को दबा दिया गया। उनको कहीं जो है नौकरानी बता दिया गया, कहीं उनको नौकर बता दिया गया या उनका सेवक बता दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप इतिहास उठाएंगे तो इस लखनऊ की धरती पर या लखनऊ के आसपास में हमारे पासी समाज के, चाहे महाराजा बिजली पासी हो, चाहे छीता पासी हो, राजा राजभर सुहेलदेव हो, या महिलाओं में, मुस्लिमों में बेगम हजरत महल पार्क हो, चाहे रानी चन्नम्मा हो, अवंती बाई हो, उदा देवी हो, या उधम सिंह, ऐसे तमाम नहीं हजारों हजार की संख्या में वीर पुरुष ऐसे पैदा हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। शिवाजी के जो सेनापति थे तानाजी राव मालसुरे, 52 किले उनको जो है जीते थे, उसमें से 23 किला अकेले तानाजी राव कोहली, जो आपकी पिक्चर भी आ चुकी है, सही पिक्चर नहीं है, तोड़ मरोड़ के है, लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि एक कोहली सपूत। कोहली का परिभाषा अलग है, कोहली कोई जात नहीं है, एक वंश है, जैसे कोल नाग साक द्रविड़ चार वंश थे, उसका एक वो है, ग्रुप है। इतिहासकारों ने ये कहता है कि संस्कृत सभी भाषा की जननी है, ये गलत है। प्रकृत भाषा है पाली और पाली भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, तो इसको हमारे लोगों को समझ आ रहा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, मानवर कांसीराम साहब की देन है और उनके अनुयायियों की देन है, कुछ थोड़ा बहुत इतिहास आया है तो बदलाव हुआ है आज हमारे इस देश के। सिर्फ ये समझना चाहता हूँ आपसे, जैसे झलकारी बाई के बारे में कहा जाता है कि रानी अच्छीबाई जिस समय बिठूर की तरफ निकल गई थी घोड़ा लेकर के, उस समय झलकारी बाई रण में लड़ रही थी, इस कहानी को थोड़ा सा चाहता हूँ कि संक्षेप में बताएं। देखिए दोस्तों, झांसी की रानी, उनकी अभिन्न सहेली, क्योंकि उनके पति उनके सेना में तोपची थे पूरन कोरी, और इस कारण उनके महल में आना हुआ, और जब उन्होंने उनके वृतांत सुने तो जितना पारंगत में जो कमी थी, उस युद्ध का अभ्यास भी रानी को कराया। झलकारी बाई उनके एक प्रकार से गुरु भी हैं। अच्छा, एक प्रकार से गुरु भी हैं, क्योंकि वहां पे जो उनके पिताजी थे झलकारी बाई के, सिद्धू कबीर, वो बचपन से, क्योंकि अकेली जो संतान थी उनका बड़ा लाड प्यार था, तो बचपन से वो तीर तलवार चलाने का अभ्यास खेल खेल में करती रही, और उन्होंने अपने उस बेटी को पाला और बढ़ावा दिया, और इसी कारण, क्योंकि वो योद्धा थी, उनकी कुशलता को देखते हुए पूरन कोरी जो उनके यहाँ तोपची थे झांसी के राज्य में, उनके साथ उनका विवाह किया। और विवाह में पहली बार जब वो बहू के रूप में राजमहल में प्रवेश हुई और रानी का आमना सामना हुआ, तो रानी अवाक रह गई कि अरे ये कौन है। वीरांगना माता झलकारी बाई को जब उनसे मुलाकात होती है, उनकी वीरता का साहस, क्यों चाहे अंजनी टोरिया पर युद्ध अभ्यास का हो, चाहे शेर को मारने का हो, मतलब उनके अंदर अपनी कुशाग्र बुद्धि भी थी, इसी कारण रानी ने जब देखा कि हमारे यहाँ के जो कारिंदे हैं भीतरघात करते हैं और गद्दारी करने वाले हैं, तो झांसी की जो सेना थी उसका उनको सेनापति बना दिया, और भाऊ बख्शी उसके प्रधान सेनापति थे, और जो युद्ध हुए, तीन युद्ध हुए अंग्रेजों से,
उसमें दो युद्ध पूरी तरीके से लड़ा, एक महीना नौ दिन युद्ध चला, उसमें अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, घुटनों को जो भाग गए, शर्मा गए, लेकिन पूरन कोरी और भाव बख्शी की कुशलता को देखते हुए उनको और बढ़ावा मिला, इधर झलकारी बाई को सेनापति बनाया गया, उधर आगे जो है पीर अली और दीवान दूल्हाजू जो उनका दीवान था मेन जो है वो मिल गया जाके अंग्रेजों से, अंग्रेजों से मिल करके एक प्लान बनाया और जनरल हीरोज ने पूरी सेना को तैयार किया और फिर से क्योंकि झांसी के राज्य छोटा राज्य था, क्योंकि दतिया से अलग हुआ राज्य है वो अलग था, वहाँ मात्र 5,000 सैनिक थे और अंग्रेजों के पास कई हजार सैनिक थे, और फिर भी अंग्रेज घबरा रहे थे कि हम जीतें, तब उन्होंने ये षड्यंत्र किया और दीवान दूल्हाजू के जो गद्दारी है, जो है झांसी का जो किला उसके 6 फाटक हैं, उसमें ओरछा फाटक पर उसकी जिम्मेदारी थी और उसने गद्दारी किया, उसको किले के दरवाजा खोल दिया, उसमें वो प्रवेश हो गए अंग्रेज। अंग्रेज जब प्रवेश हो गए तो झांसी की रानी वैसे तो लड़ी, लोगों को शिक्षा दिया, लेकिन युद्ध में के मैदान में नहीं आई थी, युद्ध के मैदान में उन्होंने जो है तलवार नहीं चलाया, वो रानी के रूप में झलकारी बाई ने चलाया। और उसका वृत्तांत शार्ट में यह है, संक्षिप्त में है, कि जब उनको लगा कि अब जो है पूरे राज्य पर कब्जा हो जाएगा, मेरी इज्जत नहीं बचेगी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शस्त्रागार में जाके आग लगा के जान देना चाहती। ये खबर जब झलकारी को मिलता है, तुरंत उनसे आके मिलती है और उनको एक मंत्रा करती है, कहती है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक झांसी को कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जो है कालपी पहुंच जाओ उन्नाव के गेट से और वहां से मदद मांगो बिठूर से ले, और मैं यहां से कहीं कैसे होगा, कहीं आप जो है आज हम सकल हम बहन होने का आज मुख आया परीक्षा, आप जो है हमारा ड्रेस पहनो और आज हम रानी बन करके युद्ध करेंगे, और जब हमारा आप रानी बन के आप सुरक्षित रहोगी तो झांसी हमारे मरने के बाद भी झांसी सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने जो राय दिया, एक टुकड़ी भाव बख्शी के साथ तैयार किया और उनको भेज दिया जो है उधर जो है बिटूर के लिए। इधर ये जो है रानी बन करके और दामोदर राव को लेकर के गई, लेकिन दामोदर राव रानी के लिए झलकारी बाई ने एक बोरी में भूसा भर के कि लगे कि हाँ दामोदर राव को लेकर के मैदान में आ गई है, और उसने भेड़ बकरियों की तरह अंग्रेजों को काटते हुए दहाड़ते हुए आगे तरह सिंघनी की तरह बढ़ रही थी। अंग्रेज के छक्के छूट रहे थे, अंग्रेज पसीने पसीने हो रहे थे, बहुत परेशान थे, लेकिन जब जनरल ह्यूरोज को पता चला तो उसने सारी सेना हर क्षेत्र से हटा के कहा जब रानी युद्ध के मैदान में आ गई तो जिंदा या मुर्दा आप इसको पकड़ लें, और सारी सेना चारों तरफ से लगा। तब जब वो देखा कि अब तो रानी कब्जे में आ गई, तब वो इनाम लेने के लिए वो गद्दार जो हमेशा इस देश के संस्कृति के साथ एक कौम के लोगों ने गद्दारी की है, वो बहुत बड़ा जो है प्रमाण है, वो आया मार खुश के, वो आया तो अवाक रहेगा, अरे तो वो कहा जनरल जो है रोज से कि ये तो रानी नहीं है, ये तो झलकारी कोरिन है। तो उसने कहा कि जिंदा या मुर्दा, तब उसने कहा कि वो वेरी क्रूअल लेडी, यानी कितनी भयानक महिला है, यदि 1% भी इस तरीके से महिलाएं भारत की हिंदुस्तान की पागल हो गई तो हमें 1 मिनट में भी हिंदुस्तान को छोड़ देना पड़ेगा। यानी एक मिसाल दिया कि इतनी बड़ी सेना का जो है जनरल जो है कांप गया, वो है माता झलकारी बाई। इनके इतिहास को दबाया गया, आज भी सही तरीके से मान लेते हैं जो बलात्कार हो रहे हैं तमाम चीज के लिए करें, लेकिन ऐसे इतिहास को उदा देवी के, झलकारी बाई के, अवंती बाई के इतिहास पढ़ाया जाए तो महिलाओं में आत्मरक्षा आत्मनिर्भर बनने का काम होगा और वो अपना मुकाबला खुद करेंगी। जब तक वो प्रतिकार करना नहीं जानेगी अन्याय से, तब तक जो ये जो है नियम कानून भी काम नहीं आने वाले हैं। हमारे लोगों को कहा जाता है कि आरक्षण पर आते हैं डॉक्टर है कैची भूल जाते हैं, लेकिन जब आरक्षण उनका 100% था तब ये देश गुलाम था, लेकिन जब आरक्षण वाले लोग चाहे SC BC या माइनॉरिटी के लोग आए तो आज देश जो है उन्हीं के बल पर वो विश्व गुरु की बात करते हैं, जबकि बुद्ध के इतिहास में यहाँ से जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तब वो राम सीता लक्ष्मण वहाँ कोई काम नहीं आता, तब बुद्ध काम आते हैं। कुछ भी हो जाए, हम लोग जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, गोविंद बल्लभ पंत के सामने कहा उस मुख्यमंत्री को कि जिस दिन हमारा बहुजन समाज जाग जाएगा
तो ये लोग जो है हमारा जूता का फीला फीता खोलने और वो जहाँ बांधने में गौरव समझेंगे। थोड़ा सा जो जागरूकता आई है, तमाम एससी के वीसी के एसटी के लोग मुख्यमंत्री बने, तो उसकी देन है जो भारत को जो ग्रोथ हुआ। और जब इनको के साथ में साजिश किया जा रहा है तो जब इनकी सरकार आ रही है तो हमारा देश आर्थिक तौर से गुलाम है। आज तक 70 सालों में कभी भी माइनस दिन जो है हमारे जीडीपी नहीं हुई, तो इसका मतलब कि वो ग्रोथ नहीं कर पाए। 70 साल की जो धरोहर थी उसको मिटा दिया, हम जीरो से मतलब माइनस में चले गए, तो इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री योग्य प्रधानमंत्री नहीं है। आपने जिस तरह से बातचीत सुनी लहरी जी से, एक बात तो स्पष्ट है कि सच और झूठ के इस दौर में सच्चाई को कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए लेकिन वो चिंगारी ज्वाला बन के फूटती ही है। कोशिश की गई झलकारी बाई के इतिहास को दबाने की, उदा देवी पासी के इतिहास को दबाने की, माता भी दीन भंगी के इतिहास को दबाने की, लेकिन दब नहीं पाया। लोगों को देर से ही सही जब जागरूकता हुई, जानकारी हुई, बड़े पैमाने पर अब इन लोगों की जयंतियां भी मनाई जा रही हैं, उनके नामों से महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश भी हो रही है। हम लोग सकारात्मक हैं और सकारात्मक रहना भी चाहिए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।